हेलो गाइस, मैं हूँ सुनैन और आप देख रहे हो टेक्नोइस्प यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज जो हम लोग एक क्विज ऐप आप लोगों के सामने बनाने वाले हैं। असल में मैंने जो है पहले से इसको बना के रखा था। तो सीन क्या है कि अगर मैं आप लोगों के सामने अभी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा या मतलब डिजाइन वाला लेआउट वगैरह सब कुछ मैं बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसमें आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा और जो है मेरा वीडियो का जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा पहले से मैं डिजाइन और जो लॉजिक है लिख के रखता हूँ, आप लोगों को बस समझा देता हूँ कि कैसे क्या काम करता है। तो चलो हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को कि ऐसे जो है हम लोग का क्विज ऐप काम करता है। और ये जो है पहली बात मैं आप लोगों को बता दें, तो यहाँ पे मैंने जो है डाटा लिया है वो इंटरनल डाटा ही है। मतलब मैं ऐप के अंदर ही जितने भी क्विज है उसको सेट करके ये जो एप्लीकेशन बनाए हूँ। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में मैं फायरबेस या कोई भी क्लाउड डाटा स्टोरेज से जो है डाटा फेच करके आप लोगों का जो क्विज ऐप होने वाला है उसका मतलब मॉडिफाई करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो है हम लोगों ने इंटरनली जो है कोई जितने भी है उसको जो है यहाँ पर ऐड कर दिया हो। तो चलो देखते हैं कैसे क्या काम करता है। और चलो तो पहले हम लोग ऐसे आप लोगों को पता है कि ऐप वाला जो फोल्डर है इसके अंदर ही ज़्यादा काम होता है। तो मैंने जो गेडल बिल्ड में कुछ भी छेड़छाड़ किया नहीं है। नॉर्मल जितने भी गेडल बिल्ड था, मतलब पहले जब आप क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट तब जितने भी गेडल बिल्ड रहते हैं सेम गेडल बिल्ड का मैंने यूज किया है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम लोग आ जाना है जावा वाले फोल्डर में और इसके अंदर आप लोगों को कॉम डॉट यहाँ पर पैकेज नेम है तो ये वाला फोल्डर आप लोग खोल लेना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो टोटल चार जो है यहाँ पर फाइल है। इसके अंदर जो है हम लोगों का तीन जो है एक्टिविटी है, जो है मेन एक्टिविटी, रिजल्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी। तो हम लोग आप लोग को रिसोर्स फाइल खोल के दिखा देते हैं। तो पहले जो हम लोग जब पेज ओपन होगा तो कौन सा पेज दिखाएगा, तो अगर हम लोग का पेज ओपन होगा तो दिखाएगा एक्टिविटी स्टार्ट वाला जो पेज है। तो मैं दोनों जो है इसका जावा फाइल भी खोल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। तो गाइस कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को हम लोगों का एक्टिविटी स्टार्ट वाला फोल्डर। तो एक्टिविटी स्टार्ट वाले फोल्डर में यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक टेक्स्ट व्यू, एक इमेज लिया है, तो लोगो ले लिया और यहाँ पर एक बटन ले लिया। जहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो जिस बटन का आईडी हम लोगों ने स्टार्ट दिया और जो जब ये बटन क्लिक होगा तब जो है हम लोगों का कौन सा एक्टिविटी खुलेगा, मेन एक्टिविटी जहाँ पे जितने भी क्विजेस है वो जो है शो होने वाला है। तो यहाँ पर इसका डिजाइन गाइस आप लोगों ने देख चुके हो और अभी मैं आप लोगों को इसका जो है स्टार्ट एक्टिविटी डॉट के टी मतलब जो है कोडिंग वाला पार्ट दिखाने वाला हो, बैकएंड वाला पार्ट। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर ये दोनों का तो कोई फंक्शन नहीं है, ये बस है दिखाने के लिए। इसका कोई इतना फंक्शन तो है नहीं, मतलब बस ये जो स्टार्ट वाला बटन है इसका ही फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट वाले जो बटन है उसको इनिशियलाइज कर दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक्शन बार है मतलब ऊपर में जो एक्शन बार आप लोग देखने के लिए मिल जाए उसको हाइड कर दिया क्योंकि ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है इनिशियलाइज कर दिया है स्टार्ट वाले जो वेरिएबल है उसको। और यहाँ पर हम लोगों ने ये रहा लॉजिक, जहाँ पे यहाँ पर जब स्टार्ट बटन को क्लिक किया जाएगा स्टार्ट डॉट सेट ऑन क्विक लिसनर तब क्या होगा, तब यहाँ से मतलब स्टार्ट एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में जो है एक्टिविटी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने और एक चीज़ ले लिया, यहाँ पर ऑन बैक प्रेस में क्या होगा, आप लोग का एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पर बैकएंड वाला ये वाला ऐसे ही काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग मेन मतलब मेन एक्टिविटी में आ जाएंगे जहाँ पे मेन हम लोगों ने कोड किया है, मतलब मेन जितने भी लॉजिक्स लगाए हैं मेन एक्टिविटी में है। तो अभी हम लोग जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी मेन को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को एक्टिविटी मेन, उसके साथ ही मेन एक्टिविटी वाला मतलब हम लोग बैकेंड वाला भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने क्या लिया ऊपर में, तो ऊपर में हम लोगों ने बस एक टेक्स्ट व्यू लिया जहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने एक टाइमर लिया है, तो ये भी एक टेक्स्ट व्यू ही है, बस टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम लोगों ने बस एक ड्रॉएबल टॉप करके एक जो है पिक्चर को सेट कर दिया, ये थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड रखा, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0.15 सेट कर दिया। हालांकि अगर मैं इधर सेट भी नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको जो है अपना बैकग्राउंड में सेट कर देंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। उसके बाद क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन शो करने के लिए ये टेक्स्ट व्यू का हम लोगों ने यूज किया है जिसका नाम है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो टेक्स्ट व्यू है ये है। उसके बाद हम लोगों ने लिया है 1 2 3 4 बटन, जो चार ऑप्शन, जो चार ऑप्शन होगा उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने टोटल चार बटन लिया है। और बटन को थोड़ा सा डिजाइन वगैरह हम लोगों ने कर दिया, तो डिजाइन में क्या किया है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा ऑप्शन बीजी, तो यहाँ पर डिजाइन में थोड़ा सा हम लोगों ने इसका जो है एज वगैरह इसको राउंडेड शेप दे दिया है, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ ऐसा सीन है। तो क्या होगा, जब भी कोई बंदा यहाँ पे 15 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा।
यहाँ पर जो पेज होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर टाइमर भी रिसेट हो जाएगा 15 सेकंड में फिर से, जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन का 15 सेकंड खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसी टाइम पे आप लोग सही आंसर दिए हो या गलत आंसर दिया हो उसको दिखा देगा। अगर आप लोग का आंसर सही होगा तो ये जो आप लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, अगर ऑप्शन मतलब जो राइट आंसर होगा वो अगर 3 होगा, आप लोगों ने 3 क्लिक किया है तो यहाँ पर ग्रीन साइन आ जाएगा। अगर आप लोगों का आंसर 2 है या आप लोगों ने क्लिक किया 3 पे तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, मतलब ये पूरा रेड बन जाएगा। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। तो कैसे ये काम करेगा चलिए देख लेते हैं मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत सारा फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब बहुत सारे जो है हम लोग कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया है। जहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कंपोनेंट्स है ये एक्टिविटी वाला है, मतलब जो है हम लोग एक्टिविटी मेन में जितने भी कंपोनेंट्स लिया था उसको बस इनिशियलाइज कर दिया और वहाँ पर फाइंड व्यू बाई आईडी भी कर दिया। आप लोग देख सकते हो ये रहा, और यहाँ पर काउंट डाउन भी फाइंड व्यू बाई आईडी हम लोगों ने कर दिया है। कोई ऐसा सीन है तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने ऊपर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है, जैसे कि क्वेश्चन लिस्ट। तो चलो हम लोग को बताते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन का लिस्ट बना लिया, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया पहले ही प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे ही कि यहाँ पर मैंने इंटरनली मतलब ऐप के अंदर ही जो है क्वेश्चन को सेट कर दिया कुछ, तो ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हम लोगों ने इंटरनली सेट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन लिया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, जितने भी आप लोग 5 क्वेश्चन में इधर मैंने लिया है ना, तो इसको हम लोग जो है ऐसा है मतलब सिक्वेली नहीं कर सकते, सिक्वेली मतलब नहीं करना चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिस्ट और सफल कर देंगे। इसमें क्या होगा कि रैंडमली जो है 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 5 क्वेश्चन ही आएगा पर ये रैंडमली आएगा। जैसे जो पहले आ सकता है ये वाला, दूसरे में ये वाला, तीसरे में ये वाला, मतलब ऐसे रैंडमली आएगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिस्ट और सफल को एक्टिव कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन मॉडल इक्वल टू क्वेश्चन लिस्ट और इंडेक्स, मतलब क्वेश्चन मॉडल हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया था ऊपर में, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन मॉडल क्या था, तो क्वेश्चन मॉडल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन मॉडल में, मॉडल के अंदर हम लोगों ने एक मॉडल बना लिया जिसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन है और उसके बाद क्या था, 1 2 3 4 ऑप्शन और आंसर था, जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर पाया। ये रहा, इस मॉडल के थ्रू हम लोगों ने इधर ऐड भी कर दिया था जितने भी क्वेश्चन है, और लास्ट में जो है इसका आंसर भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। आप दिखाते हैं आप लोगों को, ये रहा इसका आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कर दिया था ऐड। ये रहा इसका आंसर, ये है ऐसा, तो ऐसा कुछ सीन है। इसके बाद हम लोगों ने सेट ऑल क्वेश्चन वाला एक फंक्शन बना लिया। तो चलो इस फंक्शन के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑल क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन वाला टेक्स्ट भी जो हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोगों ने सेट कर दिया। ऑप्शन 1 पे ऑप्शन 1 सेट कर दिया, ऑप्शन 2 पे ऑप्शन 2 सेट कर दिया, मतलब मॉडल मॉडल वाला जो हम लोगों का कोटलिन फाइल था उससे हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, जितने भी टेक्स्ट व्यू था उसको सेट कर दिया सिंपली। ठीक है, यहाँ पर सेट ऑल क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या यूज किया, चलो दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज किया है काउंट डाउन। तो काउंट डाउन का बहुत बड़ा फंक्शन है, जो यहाँ पर हम लोग, मैं आप लोग दिखाता हूँ, काउंट डाउन का बहुत बड़ा ही फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन काउंट डाउन बनाया है वहाँ पर हम लोग ने क्या यूज किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है पहले ड्यूरेशन यूज करते हैं। ड्यूरेशन पहले ही देख सकते हो हम लोग ने 15 सेकंड यहाँ पर ले लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम यूटिल डॉट सेकेंड डॉट 2 मिलीज और 15 यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने इधर एक फंक्शन लिखा टोटल, जिसके यहाँ पर क्या था, अगर 15 सेकंड आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देख सकते हो ऑन फिनिश, तो ऑन फिनिश वाले फंक्शन में क्या हुआ दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो ऑन फिनिश वाले फंक्शन में इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, जो इंडेक्स है मतलब जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएगा। तो अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का जो साइज है, मतलब इंडेक्स जो है क्वेश्चन के साइज से कम है, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। तो क्या होगा, फिर से सेट ऑल क्वेश्चन वाला जो फंक्शन है वो रन होगा। उसके बाद जितने भी बैकग्राउंड्स है, मतलब हम लोगों ने बताया था आप लोगों को जो राइट आंसर है, अगर आप लोगों का जो राइट आंसर है वो राइट होगा तो ग्रीन होगा और जो रॉन्ग होगा वो रेड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन जाएगा तो आप लोग टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसका कलर अगर मतलब पहले जैसे ही रह गया तो मतलब लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो कलर है उसको भी सेट कर देना पड़ेगा। तो आप लोग मैं दिखाता हूँ क्या सेट किया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी बैकग्राउंड कलर से उसको हम लोगों ने सेट कर दिया है व्हाइट में, देख सकते हो इतने भी व्हाइट कलर था यहाँ पर, व्हाइट में हम लोगों ने सेव कर दिया है नॉर्मल वाला कलर। ठीक है,
नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और क्या किया है। एनेबल जितने भी बटन्स थे उसको हम लोगों ने एनेबल कर देंगे, क्योंकि जब पहला वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग एक इनपुट दोगे तो क्या सीन होगा कि जो इनपुट हम आप लोग दोगे वही इनपुट बस लेगा, बाकी तीनों जो इनपुट है वो और नहीं ले पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जब भी हम एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब वो जो ऑप्शन है वहाँ पर चार बटन जो होगा उसको हम लोग कर देंगे डिसेबल। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोगों ने डिसेबल किया है। तो चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो डिसेबल बटन वाला जो फंक्शन है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हो जो ईच क्लिकेबल पे चारों को चारों फॉल्स कर दिया, और जब इनेबल करना होगा तो हम लोगों ने क्या किया चारों ऑप्शन को ट्रू कर दिया, ईच क्लिकेबल को ट्रू कर दिया बस। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था जब रीसेट बैकग्राउंड है वहाँ पर हम लोगों ने बस वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन वन क्लिक होगा तो क्या सीन है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन वन क्लिक होगा तो पहली बात तो डिसेबल बटन हो जाएगा क्लिक होने के साथ ही साथ। उसके बाद क्या होगा, अगर क्वेश्चन मॉडल ऑप्शन वन इक्वल टू क्वेश्चन मॉडल आंसर, अगर ऑप्शन वन आंसर से मैच करता है तो क्या होगा, तो ये फंक्शन रन होगा। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखते हो करेंट आंसर पे यहाँ पर जो है करेंट आंसर काउंट जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब आपने कितना करेक्ट आंसर दिया है उसको जो है प्लस कर देगा। अगर आप लोग पहले से एक को जो है एक करेक्ट दिया है तो दूसरी बार अगर आप लोग करेक्ट करोगे तो वो दो हो जाएगा, और अगर आप लोग रॉन्ग आंसर दोगे तो क्या होगा, तो रॉन्ग आंसर वाला जो हम लोगों ने फंक्शन या जो हम लोगों ने लिया इनिशियलाइज किया है रॉन्ग आंसर आ गया। दिखाते हैं यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने दोनों को इनिशियलाइज कर दिया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर मतलब वेरिएबल को करेक्ट आंसर इक्वल टू जीरो और रॉन्ग आंसर काउंट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ऐसा कुछ सीन है, तो कहाँ था यहाँ पर, तो सेम तरीके से, और यहाँ पर देख सकते हो रॉन्ग आंसर ऐसे काम कर रहा है। तो सेम तरीके से हम लोगों ने चार जो बटन है वहाँ पर सेम काम किया है, तो अगर ऑप्शन टू इक्वल टू आंसर होगा तो सेम काम होगा। तो ऐसा कुछ सीन है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग बैक प्रेस करेंगे तो एक मतलब आप लोग को मतलब वार्निंग देंगे कि हाँ अगर आप लोग सही में बैक करना चाहते हो, क्योंकि यार जब क्वेश्चन चलेगा और डायरेक्ट आप लोगों का गलती से अगर बैक बटन टाइप हो गया तो मतलब एक ऑप्शन रहना चाहिए कि हम आप लोग कैंसिल कर पाओ। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मतलब ऑप्शन दिया है जहाँ पर आप लोगों को दो बार क्लिक करना पड़ेगा अगर आप लोग को बैक जाना है, सिंगल क्लिक में बैक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने दिया है डबल प्रेस टू क्विट गेम। तो ये रहा लॉजिक, आप लोग देख सकते हो मैंने जो इसका पूरा सोर्स कोड गिटहब में अपलोड करके रखा हो, आप लोग उधर से सोर्स कोड निकाल के इसका जो कोड पूरा समझ सकते हो। तो ऐसा सीन है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, जो अभी क्या करना है आप लोगों को मैंने बता दिया है सारे चीज, तो नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को गेम रिजल्ट वाले सेक्शन पर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होगा, अगर अगर जो क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो ये जो गेम रिजल्ट वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ये कॉल होने के बाद क्या होगा, ये कॉल होने के बाद यहाँ पर एक इंटेंट हम लोगों ने पास किया जहाँ पे जो है ये चला जाएगा रिजल्ट एक्टिविटी में, ठीक है, रिजल्ट एक्टिविटी में जाएगा और रिजल्ट एक्टिविटी में क्या क्या वैल्यू लेके जाएगा, आप लोगों ने कितना करेक्ट आंसर दिया है और टोटल कितना क्वेश्चन था। अब करेक्ट आंसर कितना दिया है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर काउंट डॉट टू स्ट्रिंग करके हम लोग भेज देंगे। हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि करेक्ट आंसर का हम लोगों ने एक बना लिया है मतलब वेरिएबल, तो उसको जो है हम लोग टू स्ट्रिंग करके हम लोग रिजल्ट एक्टिविटी में भेज देंगे, ये रिजल्ट एक्टिविटी में जहाँ पे रिजल्ट आप लोगों का शो होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है टोटल कितने क्वेश्चन था वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन लिस्ट के साइज से, तो क्वेश्चन लिस्ट डॉट साइज डॉट टू स्ट्रिंग से पता चल जाएगा कितने सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर दिया है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों का रिजल्ट आप लोगों को दिखाना है कि रिजल्ट कैसा हुआ है, उसके लिए आना पड़ेगा आप लोगों को। उसके लिए हम लोग को एक्टिविटी बना लेना पड़ेगा, आप लोग अगर फ्रेगमेंट यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने एक्टिविटी में कुछ ऐसा ले लिया है, यहाँ पर ऊपर में आप लोग को रिजल्ट वाला एक टेक्स्ट व्यू देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग को मैंने दो टेक्स्ट व्यू लिया है, जहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट व्यू आप लोग देख रहे हो ये करेक्ट आंसर कितना करेक्ट आंसर हुआ है उसका जो है वैल्यू यहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितना था उसका वैल्यू शो होगा, और यहाँ पर लास्ट में परफॉर्मेंस वाला हम लोगों ने एक जो है कंपोनेंट ले मतलब एक जो टेक्स्ट व्यू ले लिया
जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस, मतलब आप अगर 3 में से 2 क्वेश्चन सही दिए तो आपका परफॉर्मेंस गुड है, अगर आप 3 में से 3ों को सही दे दिए तो आपका परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंट है, ऐसा करके हम लोगों ने जो सेट करे। तो कैसे सेट किया है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर रिजल्ट एक्टिविटी पे हम लोग आ जाएंगे, मतलब कोटलिन वाला फाइल में। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है जितने भी कॉम्पोनेंट्स यूज किया था एक्टिविटी रिजल्ट में उसको इनिशियलाइज कर दिया ऐसे। तो उसके बाद हम लोगों ने इंटेंट के थ्रू जो है जितने वैल्यूज है उसको गेट कर लेंगे। तो इंटेंट के थ्रू हम लोगों ने जो है करेक्ट आंसर और टोटल आंसर जो है गेट कर लिया है, और यहाँ पे जो है सेट भी कर दिया है करेक्ट आंसर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू करेक्ट आंसर नंबर, ये रहा, और टोटल आंसर नंबर भी हम लोगों ने टोटल आंसर डॉट टेक्स्ट में सेट कर दिया। बढ़िया है। अभी बात आते हैं परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ले लिया परसेंटेज इक्वल टू करेक्ट आंसर डॉट टू फ्लोट डॉट डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल आंसर डॉट टू फ्लोट, ठीक है, इनटू टाइम्स 100। मतलब जैसा आप लोग परसेंटेज निकालते हो ऐसा परसेंटेज का पूरा लॉजिक हम लोगों ने लगा लिया है, कुछ ऐसा लॉजिक होता है। आप लोग इधर मतलब डायरेक्ट इनटू नहीं लगा सकते, तो ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या कोडलिन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, ये परसेंटेज इज नॉट नल, अगर परसेंटेज नल नहीं है तो क्या है, अगर परसेंटेज 50 से 99 के अंदर है तो आप लोगों को शो होगा गुड, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस जो है गुड शो होगा, और आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब बैकग्राउंड रहेगा वाइट, ओके। अगर आपका है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, मैंने ऐसे ही मजाक में लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि यार कभी परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं जा सकता, आप लोग को सिंपली पता है ये चीज़, तो बस मैंने मजाक में लिया था। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इक्वल टू 100 होगा तो एक्सीलेंट आप लोग को शो होगा, और आप लोग का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। और अगर आपका परसेंटेज 50% के नीचे होगा तो आपका टेक्स्ट भी हो जाएगा पुअर, और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड हो जाएगा रेड, ठीक है। तो कैसा ऐसा सीन है। और यहाँ पर हम लोग ने बैक प्रेस में क्या लिया, अगर कोई बैक कर देगा उधर से तो क्या कौन सा वाला पेज ओपन होगा, मेन एक्टिविटी वाला पेज ओपन नहीं होगा, कौन सा वाला होगा, स्टार्ट एक्टिविटी वाला। तो ऐसा कुछ सीन है। तो कुछ ऐसा काम करता है हम लोग का कुछ ऐप। अगर आप लोगों को मतलब वीडियो से समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कर देना, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग जाओ मेरे गिटहब का लिंक है वहाँ पर, वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पूरा कोड को एक्सेस कर पाओगे और समझ पाओगे पूरे कोड को। और अभी क्या काम करना है हम लोगों को, अभी हम लोगों को बस रन करके देखना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को मैं पहले ही जितने भी क्वेश्चन है उसको दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन था। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोग पहले ही देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों ने ये जो फंक्शन लिया इससे क्या होगा कि रैंडमली क्वेश्चन आएगा ये 5ों में से, पर 5ों क्वेश्चन नहीं आएगा पर रैंडमली आएगा, ऐसा ऐसे फर्स्ट में ये आ गया, फर्स्ट सेकेंड में ये आ गया, ऐसा करके आएगा। तो चलो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया है तो इसको चलो रन करते हैं और देखते हैं काम कैसे कर रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ट रनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर इंस्टॉल आ चुका है, तो मोबाइल फ़ोन में भी आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, तो मैं जो यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद जो है एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर जो एक्टिविटी हम लोग का लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर आ चुका है हम लोगों का पहला एक्टिविटी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्टार्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये जो टाइम आ रहा है चलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो हम लोग को आंसर पता है, मतलब ये रहा पहला वाला का आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लीन हो चुका है, मैं गलत जो है 2-1 क्वेश्चन गलत भी आंसर दूंगा जानबूझ के। तो दिखाते व्हाट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है तो मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रेड में आ चुका है, तो मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, या फिर जो एप्लीकेशन है मतलब सिंपल है पर हाँ देखने में सही लग रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रन द फास्टर, तो कौन सा वाला, चीता करते क्या, हाँ चीता, चीता होगा ना, चीता हो गया यहाँ पर ग्रीन में आ गया, और मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, व्हिच कंपनी इज नोन फॉर पब्लिशिंग द मारियो वीडियो गेम, तो ये एक्सबॉक्स हो, ये जो है निंटेंडो होने वाला है शायद, मैं एक्सबॉक्स करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सबॉक्स जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, व्हाट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सन, सन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, गैस होता है ना, गैस होता है, इसका आंसर क्या सही देते हैं, चलो सही देते हैं, दो आंसर हमने गलत दिया है, इसका आंसर सही दे देते हैं, क्या होगा आंसर देख सकते हो गाइस, दो आंसर हमने गलत दिया था, तो 3 3/5 आ चुका है,
तो यहाँ पर जो है हम लोग का रिजल्ट गुड है, तो हम लोग सब आंसर जो है सही करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब देख सकते हो, अभी पहले में अलग क्वेश्चन आ गया, रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को ऐसे ही बताएं। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का, चीता होगा। और उसके बाद यहाँ पर और आप कोई भी बटन क्लिक नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने डिसेबल कर दिया सारे बटन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर 1200 होगा किलोमीटर पर आवर साउंड का स्पीड। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो ये होगा गैस, ये सर 4 नंबर क्वेश्चन है या 5 नंबर पता नहीं, बस पता नहीं कैसे देखते हैं मैं भूल गया। अच्छा ये 4 नंबर था वाला, और ये होगा निंटेंडो। ओके अभी 5/5 आने वाला है और हम लोगों का रिजल्ट क्या होने वाला है, एक्सीलेंट। चलो देखते हैं क्या होने वाला है, लेट्स सी गाइस। चलो गाइस यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर ग्रीन भी हो चुका है बैकग्राउंड और लिखा हुआ आ रहा है एक्सीलेंट आपका, जो है आपने एकदम सब सही आंसर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या सेट किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो 100% से भी ऊपर अगर और 100 होगा तो ऐसा सीन है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये एप्लीकेशन, और आप लोग मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा कोड को जो है एक्सेस कर लो गिटहब के थ्रू में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के साथ में। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चाहते हो अभी बहुत कम टाइम के अंदर। और हाँ आप लोगों को और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी एप्लीकेशन का जितने भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस डाटाबेस से गेट करेंगे। ऐसा क्या होगा कि आप लोग खुद के हिसाब से अपडेट कर पाओगे क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि पहले आप लोग ऐप के अंदर ही सब कुछ क्वेश्चंस को इनबिल्ड कर देते हो तो क्या होगा कि मतलब लोगों को पसंद नहीं आएगा, बोले यार हर बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी तो आना चाहिए ना। इसीलिए मैं जो है ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म से जो है डाटा को गेट करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।